जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज हमारा वीडियो का टॉपिक है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वेरी इमोशनल बयान। दोस्तों इस वीडियो को आप हमारे साथ आखिर तक जरूर देखें, बहुत ही अहम टॉपिक है ये और अहम वीडियो है ये। और आगे देखने से पहले आप चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले जिस आपको बेहतरीन वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं, रिएक्शन और रिव्यू देते हैं, सो लेट्स वॉच इट वॉच इट। क्या हुआ क्या हुआ, अपने आप लोग सारे बदलो, बिल्कुल अपने आप लोग बदल के रख दो। रंग पास हजूर की बात कर, बदलना होगा क्या बात अल्लाह हो। मस्जिद बंद नहीं करना ਖੁਦ ਕਮਾਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਾਇਨਾਤ, ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਸ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਖਾਦਮ ਸੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇ ਜਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੋਲਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਖਲਿਸਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਜਾਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਲਿਸਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਖਲਾਸ ਕਾ ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। तो दोस्तों ये था वीडियो, वीडियो पे हमने देखा क्या बुलंद आवाज है माशाल्लाह इनकी और क्या अंदाज है इनका कहने का, और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि कितनी मोहब्बत उनके लिए दिल में होनी चाहिए कि मतलब उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाइए। सही बात है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने चीजें समझाई और बताई, और कितना बड़ा मजमा बनता है जब ये बोलते हैं तो क्या बुलंद आवाज से ये कहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा ये वीडियो को देखने में। और दोस्तों लास्ट में जब हम देखते हैं कि वहाँ के अवाम जब बोलती है लब्बैक या रसूलुल्लाह, वो जज्बा देखने में अच्छा लगता है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में, और दोस्तों चैनल पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखें।